प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में हिंदी विषय को लेकर अभ्यर्थियों के सामने अक्सर परेशानी आती है। इसके समाधान के लिए शिक्षाविद डॉक्टर फरमान अली द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण पुस्तिका का रविवार को विमोचन किया गया। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आंसर की भी शामिल है। विमोचन का कार्यक्रम राजस्थान इंस्टीट्यूट कैंपस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सफल अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। इस पुस्तक में हिंदी व्याकरण से जुड़े 41 बिंदुओं को शामिल किया गया है। वही पुस्तक में हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि अभी तक हमारे देश में एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई बड़ा आदमी विमोचन करता है, कोई राजनीतिक करता है या कोई बड़ा शिक्षाविद आकर करता है। लेकिन मुझे लगा कि जहां मैं पहुंचा हूं, अपने स्टूडेंट के कारण पहुंचा हूं, इसलिए हम लोगों ने ये भारत में पहली परंपरा डाली है कि भाई हमारे एक गुरु की किताब का उसके शिष्य विमोचन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और वो आगे आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ें। और यही इस खास बात मुझे लगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मेरे जो सक्सेस स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया और उन्हीं की वजह से मैं हूँ दरअसल जो इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। वो मेरी लाइफ में करे हैं वो बच्चे, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे उनसे बड़ा रिजल्ट कोई नहीं लगा और इसलिए हमारे स्टूडेंट ने आकर मेरी किताब का विमोचन, कोई भी किताब आकर लिख दे रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं बाजार में कोई साइंस का टीचर आकर हिंदी व्याकरण लिख दे रहा है, साइंस की लिखता है तो ठीक है वो लिख दे रहा है, लेकिन अब उसका क्या है, ऑथेंटिक का कोई पता नहीं है कि किताब मानक है या नहीं है। लेकिन हमने क्या है कि जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हैं, जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने हिंदी व्याकरण का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है, उसके बाद में कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की किताब लिखी है, उसके बाद में डॉक्टर वचन देव कुमार, तो बड़े बड़े जो व्याकरणाचार्य हैं उनकी अपनी बात को कहकर उनका फुटनोट दिया गया है और उसका चैप्टर के अंत में उल्लेख भी किया गया है। जो स्टूडेंट और आरपीसी आमने सामने खड़े रहते थे, तो मुझे लगता है कि शायद वो अब एक साथ खड़े मिलेंगे इस पुस्तक को पढ़।